हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। गाइस, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है। आज हम बात करने वाले हैं पेंसिल किट के बारे में। आज पेंसिल किट में हम क्या करेंगे कि ये जो पेंसिल है, इरेजर है, ठीक है, उस सबसे हम प्ले करेंगे, खेलेंगे इसके साथ। और दूसरा है कि हम अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, और पूरा का पूरा जो हमने ड्रॉ किया है उसको क्लियर भी कर सकते हैं, और साथ में हम इसका इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्योंकि हमने जो भी ड्रॉ किया हो तो उसको हम कहीं पे भी गैलरी में या डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में उसमें सेव कर सकते हैं, तो मैंने इसका इमेज भी कन्वर्ट करके दे दिया है। तो इसको आपको सिर्फ इमेज को सिर्फ सेव करना है, जहाँ पर भी करना है वो तो वहाँ पर। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, सारे फीचर है। जैसे कि मैं इसको अंडू करता हूँ तो देखो वो चला गया, आ गया। क्लियर नहीं करना, अच्छे से लिखा है। तो स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। मैं एक प्रोजेक्ट नया ही क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट न्यू एक्सप्लोर प्रोजेक्ट। और ये बहुत इजी है, बहुत 4-5 लाइन का कोड है गाइज, उसमें हो जाएगा ये। पेंसिल किट यूट्यूब, ओके। इसमें ठीक है, यहीं पे मैं सेव कर देता हूँ। और लास्ट में जब ये वीडियो एंड हो जाएगा ना, तब एक टास्क दूंगा, वो आपको करना है। बहुत सिंपल सा टास्क दूंगा, इसके रिलेटेड ही है वो। पहले तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में ही जाता हूँ मैं, यहाँ पे यूआई व्यू ले लेता हूँ। अभी यूआई व्यू लेने से पहले भी यहाँ पे मैं नेविगेशन को एम्बेड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो यूआई व्यू है उसकी कंस्ट्रेंट देनी होगी। सभी जगह से इसको 0 दे दो, और ये क्या सेफ एरिया से ले रहा है अभी, तो उसको हम सुपर व्यू से दे देंगे। ट्रेलिंग सुपर व्यू, लीडिंग सुपर व्यू, बॉटम में सुपर व्यू दोगे तो यहाँ पे 34 स्पेस आएगी, क्योंकि ये स्पेस आ गई इसलिए। तो इसको 0 कर दो तो पूरा सुपर व्यू से वो अटैच हो जाएगा बॉटम भी। सेम हमें इसको यहाँ पे टॉप भी दे देना है, वहाँ पे भी 88 होगा आई थिंक, हाँ उसको भी दे दो। सब रेडी है अभी, सही है, ओके। और अभी साथ में मैं क्या करता हूँ, बार बटन आइटम भी ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4। इसका नाम रखता हूँ मैं अंडू, रीडू, इमेज या एसएस जो भी आपको रखना है वो, कैप्चर भी रख सकते हो। उसके बाद इसका नाम मैं रखूँगा क्लियर, कि सब क्लियर हो जाना चाहिए। इतना हो जाने के बाद ये जो व्यू है उसको आपको यहाँ पे पीके कैनवास व्यू देना है। ठीक है, पीके कैनवास व्यू, तो वो ये पेंसिल किट के लिए हमें इस क्लास को कंफर्म करना पड़ेगा। जो भी व्यू में आपको पूरा जो ड्रॉ करना है उसमें ये सिर्फ लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये सबकी आउटलेट वो जो देना है वो दे देते हैं। तो यहाँ पे मुझे अंडू रीडू की एक्शन नहीं बनानी है, इस इमेज की चाहिए होगी। कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर दो, बटन इमेज टैब, उसके बाद इस क्लियर की भी चाहिए होगी, यहाँ पे बटन क्लियर टैप। उसके बाद ये जो व्यू है हमारा उसका नाम मैं लिख देता हूँ कैनवास व्यू, सही है। ठीक है, अभी हम जाते हैं व्यू कंट्रोल में। अभी इसको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए पेंसिल किट को। अभी ना गाइस, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। जब भी आप कभी अगर किसी को ऐसा हो रहा है कि पेंसिल किट को इम्पोर्ट किया और ये ना बोल रहा है कि नहीं ये नहीं होगा, इम्पोर्ट नहीं होगा, तो मेक श्योर कर देना कि प्रोजेक्ट का नाम पेंसिल किट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों का नाम अगर सेम होगा ना तो वो इम्पोर्ट नहीं होगा। तो ये याद से रखना कि इसका नाम डिफरेंट रखना, ठीक है, वरना वरना इम्पोर्ट नहीं कर पाओगे आप। मेरे को अभी हुआ था वो इशू, इसलिए किसी को ना हो इसलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे व्यू डिड अपीयर ले रहा हूँ मैं, व्यू डिड अपीयर एनिमेटेड। उसके बाद एक मेथड बना रहा हूँ मैं जिसमें हम कैनवास को सेटअप करेंगे,
इसको मैं डीड में कॉल कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जो व्यू है उसका विंडो लेना है पूरा, विंडो मिल गया। अभी टूल पिकर इज इक्वल्स टू, जो टूल पिकर जो हम बॉटम में हम देख रहे थे ये वाला कहाँ गया, ये था क्या, हाँ ये जो है ना इसको बोलते हैं टूल पिकर है ये, तो टूल पिकर हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे पिके टूल पिकर आप देख सकते हो ड्राइंग टूल के लिए, ये कलर के लिए, ठीक है, इन द करंट विंडो, दैट्स वाई मुझे विंडो लेना पड़ा। तो पीके टूल पिकर, ओके ई फ्लैट रखना यहाँ पे, यहाँ पे फंक्शन होगा, सॉरी गाइस, पीके टूल पिकर डॉट शेयर, और यहाँ पे जो हमारा जो विंडो है वो, तो अभी मेरे पास टूल पिकर है। अभी गाइस आपको क्या करना है पता है, टूल पिकर को पहले तो ऑब्जर्वर ऐड करना पड़ेगा कि किस व्यू को, व्यू में वो ऐड होना चाहिए, जैसे कि इसकी किस व्यू में ऐड होगा, किस व्यू में ड्रॉ होगा, और किस व्यू में वो लाइक वो बिकम फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा। जैसे अपने टेक्स्ट पे ना टेक्स्ट पर क्लिक करते कीबोर्ड कैसा अपियर होता है, उस तरीके से हमें तीन ही चीज़ लिखनी है। तो पहली चीज़ थी टूल पिकर डॉट, पहले तो हमें देखना है कि ये विजिबल कहाँ पे होगा और किसके ऊपर होगा। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन सा होगा हमारा, जो कैनवास व्यू है उसमें। सेकेंड चीज़ ऑब्जर्वर ऐड करना है इसमें, कैनवास व्यू में, और कैनवास व्यू जो है हमारा वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा। इतना हो गया, इसको अपने एक बार रन करके देखते हैं अभी कि क्या हो रहा है, ठीक है। आ जाएगा, ओके ओके डन आ गया। अंडू रीडू इमेज अभी कुछ होगा नहीं इसके ऊपर, तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने ना कुछ किया नहीं, तो आप देख सकते हो तो, अच्छा है iOS, और उसमें आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये कैनवास व्यू है, ये टूल पिकर है, ये तब इतना अपना हो गया। अभी हमें पहले क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर करने के लिए। और एक चीज़ बताता हूँ गाइस, ये जो आप ड्रॉ कर रहे हो ना, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी, ठीक है, तो ये जो ड्रॉ हो रहा है उसको, इसको बोलते हैं पीके ड्रॉइंग। तो ये ड्रॉ हो रहा है, इसका क्लास है पीके ड्रॉइंग करके। तो वो हमें क्या करना है कि जब क्लियर होगा तब, जैसे कि कैनवास व्यू जो ड्रॉ कर रहे हैं हम, उसको एलोकिनेट कर दो तो पूरा चला जाएगा वो, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया, एलोकिनेट कर दिया तो पूरा वो निकल जाएगा, इतना समझ लेना। उसके बाद अंडू रीडू करने के लिए एक चीज़ बताता हूँ, ये जो क्या गया, हाँ ये जो भी हम यहाँ पर करते हैं ना, तो उसमें ये जो जेस्चर है सारे ये सब, तो जेस्चर हम जो भी किया है उसको अंडू रीडू वो खुद से हमें देता है, प्रोवाइड करता है। तो वो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, मैं इंडो स्टोरी मोड जाके आपको यहाँ पे जो बटन है ना उसको कंट्रोल प्रेस करके यहाँ सेकंड ऑप्शन में जाना, देखना यहाँ पे अंडू लिखा हुआ होगा, ये रहा, उसको सिलेक्ट कर दो। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करके ड्रैग करना सेकंड के ऊपर, उसमें रीडू देखना, ये रहा। और अब अभी आपको मैं दिखाता हूँ मैजिक। तो ये जेस्चर के लिए यहाँ पे सारे जेस्चर्स होते हैं जो हम व्यू के अंदर जो भी ड्रॉ करते हैं वो सब, जो भी जेस्चर अप्लाई करते हैं, तो उसमें अंडू रीडू यहाँ से हो सकता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे iOS लिख रहा हूँ, iOS, ठीक है, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, देखो अभी रीडू। तो खुद से जेस्चर है गाइस, तो वो खुद से मैनेज कर देगा, इसके लिए कोई कोड करने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और क्लियर तो जैसे कि मैंने बोला था आपको कि लाइक डायरेक्टली क्लियर ही हो जाएगा वो, क्योंकि हमने उसको डायरेक्टली एलोकेट कर दिया है। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है गाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो मैं सोच रहा था ये है ना कब होगा, जब आप जब अगर आपने आईफोन यूज़ किया होगा ना, तो गैलरी में देखना, गैलरी में जब फोटो को एडिट करोगे ना, तो इस तरीके का पेंसिल किट का ऐसा व्यू आता है। तब मैंने देखा, मैंने बोला ये किस तरीके से होगा, तो मैंने तब सर्च किया, ये बहुत ईजी था, तो इसलिए मैंने सोचा इसका मैं वीडियो बना देता हूँ। अभी यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी उसका इमेज क्रिएट करना है, उसके लिए आपको है ना दो तीन लाइन का कोड है, सिंपल है, वो करता हूँ। पर उससे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी इमेज क्रिएट होगा ना उसको दूसरे व्यू कंट्रोल में शो करेंगे,
तो उसके लिए मैं क्लास बना ले लेता हूँ इमेज व्यू कंट्रोलर करके, ठीक है। और उस इमेज व्यू कंट्रोल के जो व्यू कंट्रोलर है उसमें सिर्फ हमारी इमेज ही रहनी चाहिए। ये आ गया, इसको यहाँ पे दे दो इमेज व्यू कंट्रोलर, स्टोरी बोर्ड आईडी दे दो, डन। उसके बाद यूआई इमेज, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको ना मैं पूरी पूरे व्यू में ले लेता हूँ, ठीक है, सही है। सेम इसको भी मैं ना अभी के लिए सिर्फ बॉटम को मैं सुपर व्यू दे देता हूँ और टॉप को दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से आपको जो भी जिस तरीके का आपको मीन्स के इमेज होनी चाहिए वो आप अपने हिसाब से फ्रेम दे देना, ठीक है। हो गया इतना, अभी यहाँ पे जाके देख लेना कि यहाँ पे इमेज यू कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो इमेज है तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं कैप्चर इमेज, कैप्चर IMG, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ व्यू कंट्रोल में, तो अभी मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे नेविगेट होना पड़ेगा इसमें, तो नेविगेशन का कोड रख देते हैं कि लाइक IMG VC इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड डॉट इनिशिएटेड व्यू कंट्रोलर विथ आइडेंटिफायर एज अ इमेज व्यू कंट्रोलर, राइट। इमेज व्यू कंट्रोलर आइडेंटिफायर भी हमें सेम वही दिया है, सो इसको मैं यहाँ पे वही रख देता हूँ। और सेल्फ डॉट नेविगेशन कंट्रोलर डॉट पुश व्यू कंट्रोलर IMG VC, और इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। ये ऑप्शनल है तो मेरे को यहाँ पे रैप करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे ये तो इमेज है तो डायरेक्ट हम इसको असाइन नहीं कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक IMG ले लेता हूँ, UI image, ठीक है। तो अभी वहाँ से मैं इमेज को मैं दे दूँगा जो भी हमारी इमेज होगी वो, और यहाँ पे इमेज का हम असाइन कर देते हैं डॉट इमेज इज इक्वल्स टू IMG, ठीक है। तो जो भी इमेज होगी वो हमारी इमेज में आ जाएगी, और उसको है ना एक मिनट है, इसको हम यहाँ पे उसका जो कंटेंट मोड है उसको हम फील कर देते हैं, फील रखते हैं। चलो इमेज व्यू कंट्रोल में तो हो गया, अभी व्यू कंट्रोल में जाते हैं और हमें अभी इमेज को क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक उसको पूरा जो व्यू है उसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, बहुत इजी है। IMG इज इक्वल्स टू UI इमेज ग्राफिक इमेज रेंडर, ये क्या करेगा, कोर ग्राफिक वो सब इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको। इसमें आपको बाउंड देना है, मैं यहाँ पे बाउंड दूंगा कि कौन सा व्यू, तो हमारा कैनवास व्यू है उसका जो बाउंड है, यानी कि दिखाता हूँ मैं आपको एक मिनट, यानी कि ये जो भी ड्रॉ किया है जितना भी कैनवास व्यू में जो भी ड्रॉ हो रहा है उसका फ्रेम पूरा मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। अभी ये मेरे को इसका इमेज कन्वर्ट करके देगा डायरेक्टली, क्रिएट इमेज बाय फॉलोइंग सेट ऑफ ड्रॉइंग इंस्ट्रक्शन, तो जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी पूरा उसका वो मुझे इमेज क्रिएट करके देगा। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, जो हमारा व्यू है उसमें आप देख सकते हो ड्रॉ हायरार्की, देखो रेंडर अ स्नैपशॉट फॉर अ कंप्लीट व्यू हायरार्की एज अ विजिबल ऑन स्क्रीन इन टू करंट कंटेक्स्ट, जो भी कंटेक्स्ट होगा कैनवास में जो भी मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ मुझे यहाँ पे स्नैपशॉट करके वो देगा यहाँ पे। तो इसमें आपको क्या करना है, कैनवास व्यू जो है आपका वो उसकी जो बाउंड है, क्योंकि हमें इसने फ्रेम हमें रिटर्न करनी होती है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो CG React है, ठीक है, और ये भी CG React है। आप फ्रेम भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। उसके बाद इसको ट्रू कर दो कि स्क्रीन अपडेट हो तब भी ये होना चाहिए। अभी ये होगा मेरा IMG एज ए UI इमेज डायरेक्टली मेरे को मिल गया ये, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो IMG VC है डॉट उसके अंदर जो IMG है इज इक्वल्स टू ये IMG, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो कभी भी गाइस ऐसा हो कि लाइक स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट जैसा, तो जैसा कोई भी व्यू के अंदर जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट चाहिए, तो ये लाइन याद रखना, इतने में हो जाएगा दो लाइन में, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट जैसे उसने किया रेंडर करके, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सेफ लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है, सेफ, ओके। और इमेज इसकी क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो UI इमेज में आ गई हमारी इमेज अच्छे से, ठीक है। थैंक्स थैंक्स गाइस, ऐसे मस्ती कर रहा हूँ, ये अंडू हो रहा है, रीडू हो रहा है, इमेज क्रिएट हो रही है, तो सही है ना यार, ये अच्छा है यार, ये मेरे को अच्छा लगा। तो आई होप गाइस कि आपको भी ये अच्छा लगा होगा,
अभी आपके लिए टास्क बताता हूँ मैं। देखो अभी आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे ये जो इमेज है ना उसको पास मत करना, कोई इस कोई भी वेरिएबल मत रहना यहाँ पे, ये वेरिएबल मत लेना ठीक है। आपको क्या करना है, इमेज तो मैंने यहाँ पे आपको दी दी ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे इमेज आ गई। अभी इस इमेज को डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में सेव कर देना, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में इसको सेव कर देना और इमेज व्यू कंट्रोल में यहाँ पे इसको गेट कर देना और इमेज यहाँ पे उसको दे देना, समझे। जो भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में इमेज सेव होगी उसको आपको इस यहाँ पे दे देनी है। सो ये वेरिएबल ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी किया है, UI कलेक्शन विद सेव एंड गेट इमेज फ्रॉम डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, वो वीडियो की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी यहाँ पे ऊपर दे दूंगा और लास्ट में जब वीडियो एंड होगा वहाँ पे भी दे दूंगा। तो आपको इतना ही करना है गाइस, इस इमेज को डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में सेव करके गेट करके आपको यहाँ पे लाना है ठीक है। जो भी इमेज होगी वो इसी व्यू कंट्रोल में डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में सेव हो जानी चाहिए और जब आप यहाँ पे आ रहे हो तब वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में से गेट करके इसको यहाँ पे दिखा देना ठीक है। इतना टास्क है गाइस और करना सब लोग, कमेंट भी करना मैं देखूंगा ठीक है। तो मुझे भी ऐसा लगे कि हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं अब से यही करने वाला हूँ कि जब भी वीडियो एंड होगा अब से वो लास्ट वीडियो में, लास्ट एंडिंग वीडियो में लाइक मैं आपको है ना कुछ बता के जाऊंगा कि इसको मैं रिकमेंड कर दूंगा कि ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसको आप देखो और ये करो, तो आपको करना ठीक है, तो आपका भी इम्प्रूव होगा ज़्यादा। तो ये टास्क है, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी डन लिख देना कमेंट करके जिसने कर दिया, जिसका नहीं हो रहा है वो कमेंट करना कि कहाँ पे स्टक हो रहे हो ठीक है। बट प्लीज़ करना गाइस और इसको भी अच्छे से देखना, और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करके जाना ठीक है। ठीक है गाइस, इस वीडियो को इतने तक रखता हूँ मैं अभी और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइज़।